ब्राउनी अपना खाना खा रही है, सबके लिए यहाँ पर खाना परोस दिया गया है। ब्लैकी भी अपना खाना खा रहा है। यहाँ पर छोटू बैठा हुआ है, यू कैन सी, ये रहा छोटू। ये आगे से राजू आ रहे हैं। एक्चुअली मोबाइल की बैटरी कम हो गई, उससे फ्लैश चालू नहीं हो रहा है, इससे थोड़ा अंधेरा आ रहा है। तो ये राजू, ये है छोटू, एक ब्लैकी और थलाइवा आ गए। वो लोग एक गाड़ी के पीछे पीछे गए हैं वहाँ तक। बाकी सारे छह बाबू के लिए यहाँ पर खाना रख दिया गया है। अब ये लोग खाना खा लेंगे। ये ब्लैकी है जो खाना खा रही है, उसके पीछे राजू, उसके पीछे ब्राउनी। ये है हमारा लेबर कैंप के बाबू लोग, सभी के लिए खाना रख दिया गया है। ये भाई साहब भी आ रहा है। वो रही बंटी, यहाँ पर बबली है। ये वाले भाई साहब भी आ गए, सभी अपना खाना खा रहे हैं। दूर से ब्राउनी वाले भैया भी आ गए हैं। ये भी आ गए, ये भी यहाँ पर है। खाना सारा खत्म, स्लॉट टू का। ये लोग भी अपना खाना खा रहे हैं। सो लेट्स नाउ मूव एंड लेट देम ईट। सर्विंग सेकंड इन द ग्रुप, और सारे बाबुओं को यहाँ पर उनका खाना परोस दिया गया है। दसों के दस बाबू को, सब अपना खाना खा रहे हैं। ये बच्चा बकेट से लगा हुआ है अभी तक। बाकी के यहाँ पर और चार बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक और पीछे तीन। तो हम यहाँ से निकलने के बाद ये भी आके यहाँ पर खा लेंगे एंड फिर आराम से सो जाएंगे, बिना रोए धोए, बिना भूख के लिए बिल खाए, आराम से। इस पूरे गैंग का कमांडर ये है, सो ही इज द कमांडर। यहाँ पर सारे दसों बाबू के लिए खाने रख दिया गया है। अब ये लोग जब अपना खाना ये लोग खा लेंगे। तो यहाँ पर दो ब्लैकी बच्चे हैं, ये ब्राउनिश फीमेल है, इसका बच्चा नहीं नज़र आ रहा है, इसका बच्चा भी है, और ये ब्लैकी वालों की माँ नज़र नहीं आ रही है। बाकी के पांच और डॉग्स हैं। ये देखिए भौंकने की आवाज़ आई, मतलब ये लोग आसपास की जो जंगल टाइप एरिया है यहीं पर कहीं आए, तो वो लोग आ जाएंगे, आके अपना खाना खा लेंगे अभी थोड़ी देर में। यू फिर ये पूरा जंगल वाला पहाड़ है, तो शायद यहीं से आवाज आ रही है बाकिंग की, तो वो लोग यही होंगे। तो सारे बच्चे आ गए, तो फिलहाल यहाँ पर चार है, दो ब्लैक बच्चे, आ गई माँ, ब्लैकी की माँ आ गई है। पीछे उसकी अगर आंखें चमकती हुई अगर आपको दिख सकती है, तो ब्लैकी की माँ आ गई है। एंड सभी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर खाना रख दिया है। पांचों बाबू के लिए पांच प्लेट। फिलहाल यहाँ पर चार ही है, जो कैमोफ्लेज कलर की है वो भी आ जाएगा, एंड देन दे विल हैव फूड। ये वाला बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूट है, ये उसकी माँ है। पीछे वाला वाइट थोड़ा बदमाश है, ये अपना पिटबुल। है ना, हीरो,
तो अभी सारे बच्चे अपना खाना खा लेंगे और बाद में जाएंगे चैन से सो। और एक बार जैसे ही वो कैमोफ्लेज वाला बाबू भी आ गया तो वो भी आके खा लेगा। वो साइड के डॉग्स हम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं, आवाज़ भी लगा रहे हैं। वो देखिए रास्ते पे बैठे हुए हैं दोनों। तो अभी हम लोग जाएंगे वो साइड और वहाँ के बाबू को दे देंगे खाना। एंड हियर आर द बेबीज, शेफर्ड खा रहा है। ये वाइट वाली एक्चुअली हाईवे की है, नयनतारा है। ये ब्राउनिश भी हाईवे की है। एंड बाकी सभी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर खाना रख दिया है। एक फरीफा बेबी है, वो ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको इसके पीछे बैठा हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा डरता है वो। और एक बच्चा है जो कि लाइट के लेफ्ट हैंड साइड में है, उसकी अगर आँखें चमक रही होगी तो शायद आप देख सकते हो, बीच बीच में चमक रही है लाइट के लेफ्ट हैंड साइड में। तो वो भी है इधर, अरमानी वो रहा गाड़ी के सामने। छोटकू जो है, छोटकू भी आ जाएगी। एंड वी हैव केप्ट फूड फॉर ऑल द बेबीज हियर, ताकि सब अपना खाना आराम से खा ले। और रात में आराम से सो जाए बिना बिल के, बिना रोए, बिना चिल्लाए। खा बाबू खा। सो ये वाला जो कंस्ट्रक्शन जोन वाला पार्ट है, यहाँ के 5 में से 3 बाबू तो आज यहाँ पर है। एंड इन सभी के लिए, 5ों के लिए खाना रख दिया गया है। हाय खीरे खीरे, हाय गुड गर्ल, गुड गर्ल, ओय 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 गुड गर्ल। ये भाई साहब भी यहाँ पर है। एक ब्लैक कलर का मेल है वो आएगा और एक ब्राउनिश कलर का थोड़ा ओल्ड मेल है वो भी आएगा। एंड देन वो सभी आके अपना खाना खा लेंगे और जाएंगे चैन से सो। और ये हमारे दोनों एमएससीबी के बाबू लोग, बोथ आर हैविंग देयर फूड। दिस इज द स्टार्ट ऑफ स्लॉट 2। दोनों आराम से अपना खाना खाते हुए। खा शोना का गुड गर्ल। चिकन राइस एग पेडिग्री, बहुत ही सही खाते हैं लोग। बहुत न्यूट्रिशियस खाना है, इजीली डाइजेस्टेबल है। So this is 22nd of May and we are here for the serving 1 of slot 1. And यहाँ पर हमारे माँ मौसी और सारे बच्चे लोग हैं। कमांडर भी यहाँ पर बैठा हुआ है। So what we will do now is we will serve these babies. और उसके बाद हम लोग वो वाले जो छोटा सा पतला सा रास्ता है वहाँ से आगे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एक लैक्टेटिंग मदर ने बच्चे दिया। तो अभी नाउ शी इज़ लैक्टेटिंग, सो शी नीड्स फूड, क्वाइट न्यूट्रिशियस फूड। तो हम लोग वहाँ पर जाके उसको दे देंगे, नहीं तो एल्फ वो पहले रास्ते पे आती थी ये कमांडर वगैरह के साथ, जो 10 डॉगीज को हम लोग खाना सर्व करते हैं, पहले वो वहाँ पर आके खाती थी। पर अब जबकि उसने बच्चे दिए हैं तो अभी यूजुअली वो यहीं पर आती है,
पर पता नहीं आज वो अब तक आई क्यों नहीं है। यूजुअली गाड़ी का आवाज़ सुन के वो आ जाती है, तो अभी तक आई नहीं है, इसलिए हम लोग वो उस साइड जाके उसके लिए भी खाना रख देंगे एंड वी विल सी इफ वी आर एबल टू फाइंड। तो स्टार्ट करते इन बच्चों को खाना देना अभी। कीरे खा भी चलो। सो वी विल स्टार्ट सर्विंग द फूड नाउ। सारे बच्चे रेडी है। हाय शादी सर, शादी सर, तुमको उधर मिलता है खाना रोड पे, तुम उधर जाओ। इधर काहे होते हो तुम? इन सारे बच्चे और माँ लोगों को खाना दे दिया गया है। माफी भी आके अभी खा लेगी। पर और खाना रख देते ताकि माफी और बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। सारे 6 बच्चे हैं यहाँ पर। May 22nd एंड ये रहे सारे बच्चे। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बाबू लोग है। बाकी सभी के लिए यहाँ पर सर्व कर दिया गया है। दिस इज 22nd of May। शायद कोई और एरिया का डॉग वो साइड में आया है इसलिए ओला बाकिंग। बट अभी सारे लोग अभी आके अपना खाना खा लेंगे एंड दे विल बी हैविंग द फूड। तो श्री उनको बिस्किट खिला रहा है, तो जैसे उनका बिस्किट खाना हो जाएगा दे विल बी हियर हैविंग देयर फूड। ओ भाई साहब, आप बकेट में से काहे खा रहे हो यार? आपके लिए प्लेट में दिया गया है ना, यहाँ पर आप प्लेट में से खाओ। सो ऑल द बाबू लोग विल हैव देयर फूड फ्रॉम द प्लेट्स एंड यहाँ पर जो बाबू लोग हैं ये लोग आके अभी अपना खाना खा लेंगे जैसे इनका बिस्किट खाना होता है। So let's now head towards the labor camp and labor camp के बाबू को दे देते हैं खाना। खा शोना खा, good boy, ओ हीरो, ओ हीरो, ओ हीरो, शादी का। खाओ बाबू खाओ। So 22nd of May and these are the labor camp babies. So this is the labor camp area. तो आज बंटी और बबली भी है हमारे साथ और यहाँ पर सारे बाबूस के लिए खाना रख दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ ब्लैक वाला है। 3 वाइट कैमोफ्लेज ब्राउनिश, वाइट एंड ब्राउन, वाइट एंड ग्रे, एक ब्लैक एंड वाइट, ये सारे डॉगी लोग शायद ये ब्लू वाले शेड के वो साइड या फिर ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में शेड दिख रहा है उसके वो साइड होंगे
एंड फिर ये लोग आ जाएंगे बाहर निकल के अपना खाना खाने के लिए। यूजुअली हम लोग लेबर कैंप सबसे लेट आते हैं, सबसे लास्ट आते हैं, लेकिन आज हमने सेकेंड ट्रिप ही लेबर कैंप में मारा है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी कम लोग हैं। पर जैसे ही थोड़ा रात होगा एंड 12:30-1 बजेंगे, वैसे ही सारे जो बाबू लोग हैं वो सब आ जाएंगे। सो 6-7 बाबू और आने वाले हैं। एक और ओसा वाला है ना, चारों आप समझ भाई बहन मिल जाते हैं। इसी का माँ ये दोनों को बस अभी खा लेंगे। और दिस इज द चिकन शॉप जहाँ से मैं चिकन लेता हूँ अपने सारे बाबुओं के लिए। दोनों कुत्ता लेके गया था, ये दोनों को छोड़ दिया। अच्छा से पहचानता हूँ। और ये हमारे सुरेश भाई है, इनके पास से हम चिकन लेते हैं। अगर आप नॉर्मल चिकन लोगे तो आपको ये 260 रुपये किलो लगाएंगे, लेकिन अगर कुत्तों के लिए लेंगे तो 220 रुपये किलो लगाएंगे। तो आप भी इनके पास से डॉगीज के लिए चिकन ले आइए। और कलेजा गर्दन और पत्री जो है वो तो 150 रुपये किलो लगाता है, तो यूजुअली मार्केट रेट से 70-80 रुपये कम लगाता है। ये उनका चिकन शॉप है लेबर कैम्प के पीछे, लाइफ रिपब्लिक के पीछे। एंड मैं चिकन यहीं से लेता हूँ। बंटी, बबली, ब्लैकी, एक बड़ा ब्लैकी बाकी है। चलो एक वाइट तो आ गया है दूर से, इफ यू कैन सी एक वाइट आ रहा है। तो ऐसा और दो वाइट है, एक ब्राउनिश है, एक कैमोफ्लेज है, एक वाइट एंड ब्राउन है, एक वाइट एंड ग्रेश है, एक ब्लैक एंड वाइट है। तो वो सब भी धीरे धीरे आ जाएंगे जैसा जैसा रात होता रहेगा, एंड सब आके अपना खाना खा लेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं हाईवे के डॉगीज के पास और उनको दे देते हैं खाना। मेरा मुर्गी तीनों आएंगे आ रहे हैं। खा सोना खा। इसको खाना उखाड़ दिया था उधर से। पानी नहीं दिखता है। इधर से खाया। खा बाबू चलो खेलो चलो। बहुत जबरदस्त था, बहुत भारी हुआ था। पानी गए वो जब ये लोग बात ही समझ में ना तब पकड़ा पड़ा वो लग गया। ओए बंटी मार दे दोस्त को, आंख लगता फूट गया। एक मार बहुत डेंजर हम देते हैं ना, डेंजर है ना, पकड़ा था हम बोले गए। सो हमारे जो बाकी के डॉगी लोग हैं, एक वाइट, ये ब्राउन एंड वाइट, ये तीसरा वाइट, यहाँ से आ रहा है कैमोफ्लेज। अगर आपको अभी दिखेगा कैमोफ्लेज वाला, ये देखिए ये है कैमोफ्लेज। पीछे से भी जो ब्लैक एंड वाइट है वो भी आ गया है। तो सारे बाबू लोग आ गए हैं, आपको अभी लाइट में आने के बाद दिखेगा। ये देखिए ये ब्लैक एंड वाइट, तो सारे आ गए हैं, सारे अभी अपना खाना शुरू कर देंगे। सभी ने खाना शुरू कर दिया। ये बंटी और बबली है जो भौंक रहे हैं। सो अभी सिर्फ एक ब्राउन बचा है और एक ब्लैक एंड वाइट बचा है, बाकी सारे आ गए। सब अपना खाना खा के जाएंगे आराम से सो। चुपचाप खाओ चलो। बंटी नो बेटा, बबली बंटी गुड गर्ल्स नो बाबू नो। May 22 और ये देखिए ये है ब्लैक एंड व्हाइट वाला, ये ब्राउन एंड व्हाइट। तो इन चारों के लिए हमने यहाँ पर खाना रख दिया है। ये भाई साहब का खाना हो चुका है, व्हाइट वाले का वो वापस आया है। तो इन ये है ब्लैक एंड व्हाइट, ब्राउन एंड व्हाइट। और अगर आप आगे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दो बाबू बैठे हुए हैं, एक यहाँ पर है और एक एकदम थोड़े से लेफ्ट में है गेट के पास। तो ये दोनों बाबुओं के लिए भी यहाँ पर खाना रख दिया है। तो ये जब चारों हम जाने के बाद जब ये लोग आएंगे, ये दोनों बाबू जो दूर बैठे हुए हैं तो वो भी आके खा लेंगे। फिलहाल स्क्रीन में जो दो बाबू है ये खाना इनके लिए रखा है, चारों में से दो तो खा रहे हैं। ये ब्लैकी का खाना हो चुका है लेबर कैम में, इसका भी खाना लेबर कैम में हो चुका है। तो अब जैसे ही यहाँ से निकलेंगे ये वाले दो बाबू यहाँ पर आ जाएंगे एंड देन दे विल हैव द फूड। ओए तुम्हारा खाना हो गया ना बे, फिर काहे आओ यहाँ पर। May 22 और ये छुटकी जिसकी आंखें आपको दिख रही है, छुटकी छुटकी ये देखिए ये उसकी आंखें छुटकी है।
हाईवे के डॉग्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए उनकी आंखें चमकती हुई आपको दिख सकती है। वहाँ पर एक सामने है, पीछे और दो है, तो चार डॉग्स हो गए। ये रहा शेफर्ड 5, ये हरमानी 6, और नयन तारा आ जाएगी, और तीन डॉग्स हाईवे के आ जाएंगे। हमने यहाँ पर सारे बच्चों के लिए खाना रख दिया है, 10 बच्चों के लिए। ये छोटू, उसकी मम्मी और ये थलाइवा मेरे पीछे पीछे आ गए थे, उनका थोड़ा खाना ये लोग खा रहे हैं। तो सारे 10 बच्चों के लिए यहाँ पर खाना रख दिया गया है। तो हम लोग एक काम करेंगे, थोड़ा सा खाना जो है, ताकि ये लोग इनका खाना खा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे वापस से, ताकि इनका खाना कम ना हो। सारे बाबू लोगों के लिए खाना रख दिया गया है। दसों के लिए 10 रख देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर थोड़ा रख देते हैं। तो अभी सारे बाबू लोग जब आ जाएंगे तब वो भी अपना खाना खा लेंगे, और अभी चलते हैं थलाइवा, छोटू, ब्लैकी, राजू, सेकंड ब्लैकी और ब्राउनी की जगह उनको सर्व कर देते हैं। अरे चलो हो जाए तो मतलब नौकरा होने का। सो ये रही नयन तारा, और अगर आप दूर देख सकते हो तो सारे हाईवे के डॉगीज आ गए। ये सारे हाईवे वाले हैं, नयनतारा भी यहाँ पर है, नयनतारा भी आ गई है, एंड सारे हाईवे के डॉगीज लग गए खाना खाने। थलाइवा, नयनतारा, हे नयनतारा, गिरे, गुड गर्ल। So let's leave and serve food for Chotu, Raju and gang, and let the highway dogs have their food. Choti chilla rahi hai upar se, tile ke upar khadi hai, dekhiye aap. 22nd of May and wo dekhiye dur aapko aankhe chamakti nazar aa sakti hai, brownie ki, blackie hai, uska beta Chotu hai, Thalaiwa hai, sirf Raju aur dusri blackie nahi hai, wo bhi aa jayenge thodi der mein. और आज है 22 में, एंड सारे 6 बाबू के लिए खाना परोस दिया गया है। ये भाई साहब ने तो वहाँ पर भी दबा के खाए थे, अब वापस खा रहे हैं अपनी जगह पे। छोटू और छोटू की माँ खा लेगी अभी। किरे बाबू, गुड गर्ल, गुड गर्ल, छोटू, छोटू गुड बॉय। ओए क्यों चले, क्यों चले छोटू, ओए छोटू, ऐ थलाइवा चुप, गुड गर्ल, गुड गर्ल। ये छोटू की मम्मी है, छोटू की मम्मी, डॉबरमैन मिक्स। सो सारे बच्चे अभी खा लेंगे, और यहाँ पर ख़त्म होता है हम लोगों का स्लॉट 1। अभी हम लोग निकलेंगे घर, लेंगे वापस 2 बकेट खाना, और निकलेंगे स्लॉट 2 के लिए। ये रही ब्राउनी जिसकी आँखें चमक रही है, राजू अब तक नहीं आया, दूसरा ब्लैकी अब तक नहीं आया, वो भी अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, एंड खा लेंगे अपना खाना। आशा, गुड गर्ल, तुम्हारी बहन कहाँ है, बोन कोई तोर। सो यहाँ पर ये वाली ब्राउन वाली है, ये लैक्टेटिंग मदर है जो पहले डरती थी हमसे, ये ब्लैकी है, कैमोफ्लेज है, सिर्फ एक मोटू सा बुजुर्ग हमारे डॉगी रह गए, और इसकी बहन रह गई है। तो वील जस्ट फाइंड आउट जो वो कहाँ है, शायद आसपास ही कहीं होगी, उनको हम आवाज़ देंगे, एंड पहले इनको खाना सर्व कर देते हैं इन 6 को, और उसके बाद जो है let's start finding them for food. So this is 22nd of May. ki re babu, good girl na, tu good girl na, shona good girl na, to ke dibo to kete akon, good girl to, tu good girl na, tur bon koi, tur bon koi, tur bon koi, tur bon koi, tur bon ke dak, tur bon ke dak, tur bon koi, blackie chal shona chal aai. ye camouflage hai, shayad usne kisi ko dekha hai, agar koi doggy hai to bahut badhiya hoga, wo aa jayega. Let's give them food now. Let's serve them food. May 22nd, and यहाँ पर 6 बाबू के लिए खाना दे दिया गया है। वो देखिए, वो आ गया मोटा बाबू जिसकी आंखें चमक रही है। There he is, finally. और यहाँ पर सारे बाबुओं के लिए खाना परोस दिया गया है।
ब्लैकी खा रहा है, ये ब्राउनी खा रही है, उसकी एक बहन गायब है, ये लैक्टेटिंग मदर है जो खा रही है, ये है हमारा मोटा बुजुर्ग डॉगी जो थोड़ा हट्टा गट्टा है, मस्त है, और ये है कैमोफ्लेज जिसकी आंखें चमक रही है। बुजुर्ग डॉगी भी आ गया है, वो भी खा रहा है, कैमोफ्लेज बाबू भी खा रही है, इसकी बहन नहीं आई है, वो खा लेगी जब आएगी, उसके लिए परोस दिया गया है। बाकी के बाबू लोग भी खा रहे हैं, थोड़ा सा इनको और परोस देते हैं। चलो खाना, चलो खा ना, खा, गुड बॉय ना बाबू, गुड बॉय ना, खाओ बाबू। ये बहुत ही बुजुर्ग डॉगी है, अराउंड जहाँ तक मेरा अंदाजा है अराउंड 12-13 साल उम्र होगा इसका। सब खा रहे हैं, वो रही लैक्टेटिंग मदर, ये रहा ग्रुप का कैमोफ्लेज, और यहाँ से हम लोग चलेंगे एमएसबी के बाबुओं की तरफ। किरे ब्लैकी खेने बाबू आए, चल खेने, ब्लैकी ने भी खा लिया है, सभी खा रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग टू सी। ओए लैक्टेटिंग मदर, चलो इधर, इसने भी काफी खाया है एंड ये अच्छी बात है क्योंकि अभी अपने बच्चों को दूध पिला पाएगी, इसके बच्चे ढूंढने पड़ेंगे, है कहाँ पर, कहाँ इसने बच्चे जन्मे हैं वो देखना पड़ेगा। और ये रहा कैमोफ्लेज, और आज है 22 मई, और ये हमारे दोनों एमएसबी के बाबू लोग। हमारे पास पेपर प्लेट्स कम है इसलिए आज एक ही पेपर प्लेट में ज़्यादा खाना दे दिया गया है इन लोगों को, ताकि इन दोनों का आराम से खा ले, इनका पेट भी भर जाए। खा बाबू खा, खा सुना, बाईस मई और हाईवे की ये साइड के सारों बाबू लोग हम लोगों के यहाँ है, सभी के लिए खाना परोस दिया गया है और सभी अपना खाना खा रहे हैं बड़े आराम से। इसके पीठ पे कुछ तो हुआ है, ओके इसको दवाई देना पड़ेगा, ब्लीडिंग हो रही है यहाँ से। खा बाबू, तो कल इसको हम लोग दवाई दे देंगे, दवाई का नाम है न्यूमैक टैबलेट, आती है 100 रुपये में, 10 टैबलेट आती है, बहुत ज़्यादा कारगर है ऐसे स्किन इन्फेक्शंस के लिए। एक हफ्ते में एक ही टैबलेट देना होता है एडल्ट्स को, 4 हफ्ते का ट्रीटमेंट, 4 हफ्ते में 4 टैबलेट, और एक रिड नाम की एक लिक्विड आती है, वो रिड लिक्विड एडल्ट के लिए 1 लीटर में 5 ml स्प्रे करके, 5 ml डिजॉल्व करके ऊपर डाल देना होता है, इनके ऊपर स्प्रे कर देना होता है, तो ये विद इन 2-3 वीक्स ये ठीक हो जाता है। तो हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे इनको न्यूमैक देना। बाकी सारे बाबू लोग तो अपना खाना लगभग ख़त्म कर चुके हैं, खा भी रहे हैं। बाईस मई की रात, और ये हाईवे का एक डॉगी जो आ रहा है, और हमारे सारे बाबू लोग यहाँ पर हैं, सारे के सारे।
ये ब्लैकी की मम्मी जिसकी आंखें आपको चमकती हुई दिख सकती है, ये रही ब्लैकी की मम्मी। ओए और ये है सारे बच्चे लोग, सारे बाबू लोग। यहाँ पर ब्लैकी के तीनों बच्चे भी है, ये देखिए आप देख सकते हो, 1, 2, 3। ये छोटा वाला बच्चा भी है, यहाँ पर भी बच्चा है। उस दिन जो हमने ये हाईवे से सीधा जाके जो जिन माँ और बाबू को खाना दिया था, वो लोग भी यहाँ पर आ गए, वो लोग भी खाना खा रहे हैं। यहाँ पर भी एक बाबू है, और सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाना रख दिया गया है क्योंकि मेरे पास प्लेट्स कम थे। ये और एक बाबू जो कोने में घूम रहा है, ये ब्लैकी की मम्मी जिसकी आंखें चमक रही है। अरे चमको, अपनी आंखें चमकाओ बे, वो देखिए। तो 5 प्लेट में ज़्यादा से ज़्यादा खाना हम लोग दे दिए ताकि 10-11 प्लेट का खाना 5 प्लेट में आ जाए और सब खा ले, किसी को कम ना गिरे। ये जो माँ है इसकी पूँछ छोटी है, इसके बच्चे के बच्चों के भी पूँछ छोटे हैं। ये बच्चा इसका ही पूँछ छोटा है, ये बच्चा इसका ही पूँछ छोटा है। मस्त चीज़ है यार, माँ का पूँछ छोटा तो बच्चे का ही पूँछ छोटा है। यू 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 हो ब्लैकी सबसे एंड में आएगी। ब्लैकी बहुत डरती है, वो देखिए उसकी आंखें, वो सबसे एंड में आके खाएगी। ये रही ब्लैकी। ब्लैकी तो यहां खत्म होता है हमारा स्लॉट सेकंड। अभी हम लोग निकलेंगे घर, सभी का खाना हो गया है, सभी आराम से खा रहे हैं। ये देखिए, ये बच्चा अपने एक माँ को लेके आया है। सब आ गए खाने के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसा माहौल देख के। देखिए सारे बच्चे, ये यहाँ पर लोग भी है, सारे बच्चे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर आगे कुछ बच्चे हैं, बाबू लोग जिनका खाना हो गया है, वो लोग घूम रहे हैं। ये वाइब्रेशन से स्टील का बकेट आवाज कर रहा था। सभी का खाना हो गया है, सब अभी खेल रहे हैं। यहाँ पर ब्लैक ही है, वो इतना ज्यादा काला है वो दिखता ही नहीं है।